नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के तरफ आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का 7वां और 8वां क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टकस इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए। आपको एक गुणधर्म बताया गया था इस प्रश्नावली का, जब इंट्रोडक्शन वीडियो आया था तो उसके अंदर 6 चर का गुणधर्म बताया गया था। मतलब कोई संख्या है, पहले में अगर a गुणा बी इंटू सी बराबर होता है a इंटू बी गुणा सी। कोई संख्या है ए बी सी टी, मैं क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि पहले अंतिम दो संख्याओं का गुणा करूंगा, फिर इन दो संख्याओं का गुणा करने के बाद इसका पहली संख्या के साथ गुणा कर रहा हूँ। और राइट हैंड साइड के अंदर मैं पहले फर्स्ट दो संख्याओं का गुणा करूंगा और इसका गुणा करने के बाद अगर मैं लास्ट संख्या के साथ गुणा करता हूँ तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये ए इंटू बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, और ये भी बराबर किसके होगा, मतलब पहले आप 2 × 3 × 4। अब इसके अंतर्गत मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले 3 और 4 का गुणा पहले करूंगा और इसमें 2 और 3 का गुणा पहले करूंगा। 3 और 4 का गुणा, ये 2 × 3 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा, 12, ठीक है। 12 × 2 करोगे कितना आ रहा है, 24। यहां पर देखिए मैं पहले 2 × 3 का गुणा कर रहा हूँ 6, और 6 का गुणा 4 के साथ करूंगा तो भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये 7 चर का गुणधर्म है। अगर यहाँ पर कोई 3 संख्या एबीसी दे रखी है गुणा के अंदर, तो आप भले ही अंतिम दो संख्याओं का पहले गुणा करो उसके बाद फर्स्ट के साथ करो, या फिर पहले फर्स्ट दो संख्याओं का गुणा अंतिम संख्या के साथ करो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा गुणधर्म लागू होता है, 6 चर का गुणधर्म। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, ये इस फॉर्मेट के अंदर दे रखा है 1/3 × 6 × 4/3। अब यहाँ पर 1/3 को a मान लीजिए, ठीक है, गुणा 6 को मैं b मान रहा हूँ इंटू 4/3 को मैं c मान रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन a × b × c के रूप में है। बराबर के अंदर आप देखोगे तो आपको ये दे रखा है 1/3 × 6 और इंटू 4/3 के रूप में लिखा है। 1/3 को क्या माना था a, 6 को क्या माना था b इंटू बी, और ये कोष्टक इंटू 4/3 को क्या माना था, सी माना था। अब अपन को ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिल रहा है, मतलब ए गुणा बी इंटू सी बराबर किसके हैं, बराबर है ए गुणा बी इंटू सी। क्या ये क्वेश्चन वापस इसी फॉर्मेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा मतलब ये हुआ इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, 6 चर का गुणधर्म। किसका नियम लागू हो रहा है, 6 चर गुणधर्म की पालना हो रही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, है तो भी क्यों और नहीं है तो भी क्यों। अब देखो मैं सबसे पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जैसे कोई संख्या a है तो a का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा इसका व्युत्क्रम होता है। a का व्युत्क्रम क्या होता है, a का व्युत्क्रम होता है 1/1, a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1। या फिर आप ये समझिए कि मैं a को किस संख्या के साथ गुणा करूँ कि उसका मान हमेशा कितना मिले मुझे, 1 मिले। a को 1/1 के साथ गुणा करूंगा तब मुझे मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 को मैं किस संख्या के साथ गुणा करूं कि उसका मुझे मान 1 मिल जाए, तो मैं इसे उल्टा करूंगा, मतलब 1/2 का व्युत्क्रम में उल्टा क्या होता है, 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को हल करेंगे तो आपको मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि किसी संख्या को किस संख्या के साथ गुणा किया जाए उसका मान हमेशा कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अपन को दे रखा है -1 से 1/8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले सरल करना होता है। सरल बिल्कुल सिंपल है, 8 का गुणा 1 के साथ करो, -1 के साथ -8 और -8 के साथ 1 जोड़ो तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 का गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 8 और 1 कितना होता है, 9/8, और ये माइनस का माइनस आगे माइनस में है, तो यहाँ पर ये भिन्न आ गई माइनस का 9/8। अब यहाँ से आप देखिए माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का 9/8 इसका मतलब व्युत्क्रम उल्टा कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/-9, ठीक है। जब इसको आप काटोगे 8 से 8, 9 से 9, माइनस माइनस प्लस बराबर 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका गुणा करने पर 1 मान आ रहा है,
इसलिए -9 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 बटे -9 होगा। यहाँ पर दे रखा है क्या ये 8 बटे 9 गुणात्मक प्रतिलोम है, तब आप ये कहोगे ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्योंकि ये संख्या धनात्मक की दे रखी है जबकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 8 बटे 9 होगा। इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।